हेडलाइन में पेश है अब तक की बड़ी खबरें। महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए किए गए ट्वीट में गलत आंकड़े पेश करने पर घिरे राहुल गांधी ने अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर ही तंज कसा है। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, बीजेपी के मेरे सभी मित्रों के लिए, मैं नरेंद्र भाई की तरह नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, हम गलतियाँ करते हैं और इससे जीवन दिलचस्प होता है, गलती की ओर ध्यान दिलाने के लिए शुक्रिया, कृपया आगे भी ऐसा करते रहें, इससे सच में मुझे सुधार करने में मदद मिलती है, आप सभी को प्यार। आपको बता दें कि मंगलवार को राहुल ने प्रधानमंत्री पर सातवां सवाल दागा था, लेकिन इससे उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उनमें गणित की गलती कर बैठे थे। राहुल की इस गलती को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया था और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवालों से पहले राहुल गांधी के होमवर्क पर सवाल उठा दिया था। आइडिया वोडाफोन का मर्जर अब पहले हो जाएगा। वोडाफोन ग्रुप के सीईओ वितारियो कुलाओ ने हाल में ही इस ओर इशारा किया है। इसके मुताबिक अब मर्जर से पहले तय सितंबर 2018 की समय सीमा घटाकर मार्च अप्रैल 2018 हो सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक अपने एक नोट में आइडिया सेलुलर लीडरशिप के साथ मीटिंग का हवाला देते हुए कहा, मैनेजमेंट को उम्मीद है कि मार्च अप्रैल 2018 के मर्जर के लिए जरूरी सभी अप्रूवल्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स को इस नोट की एक कॉपी हाथ लगी है। देश की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया और आइडिया के विलय के बाद यह देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाएगी, जिसके पास 40 करोड़ कस्टमर होंगे और रेवेन्यू शेयर मार्केट 41% होगा। अयोध्या में राम मंदिर क्यों, इस मुद्दे पर आज 9:30 बजे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चर्चा रखी गई थी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी हिस्सा लेने वाले थे। कार्यक्रम रद्द किए जाने को लेकर स्वामी नाराज हैं और उन्होंने इसे राजनीतिक पाखंड बताया है। स्वामी ने कहा कि उसी यूनिवर्सिटी में लेफ्ट नेता प्रकाश करात के कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया और उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेफ्ट डरा हुआ है क्योंकि हिंदू एकजुट है। इससे पहले जेएनयू ने यह कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जेएनयू ने एक चिट्ठी के जरिए कार्यक्रम के आयोजकों को बताया कि अथॉरिटी ने कोयना हॉस्टल में कोई चर्चा कार्यक्रम न करने का फैसला लिया है, लिहाजा आज रात 9:30 बजे होने वाले डॉक्टर स्वामी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 1992 में आज ही के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के लेकर भले ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन 2017 का सबसे पसंदीदा ट्वीट का खिताब उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा की झोली में गया। ट्विटर की साल की समीक्षा सूची के मुताबिक वर्जीनिया में भड़की नस्ली हिंसा को लेकर अगस्त में ओबामा द्वारा किया गया ट्वीट न सिर्फ 2017 का सबसे ज्यादा पसंदीदा ट्वीट बना, बल्कि 30 करोड़ से भी अधिक यूजर्स वाले ट्विटर के इतिहास का सबसे पसंदीदा ट्वीट रहा। बराक ओबामा ने नेल्सन मंडेला की 1994 में प्रकाशित आत्मकथा के उदाहरण लिखा था, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर उसके लिए नफरत पैदा नहीं होता। राहुल गांधी के धर्म पर विवाद के बाद अब अयोध्या मसले की भी गुजरात के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। बुधवार को अहमदाबाद के धांधुका में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल द्वारा अयोध्या मसले पर सुनवाई टालने की मांग पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि कपिल सिब्बल मुस्लिम समुदाय की तरफ से लड़ रहे हैं, वह यह कैसे कह सकते हैं कि अगले चुनाव तक अयोध्या मामले का कोई हल नहीं होना चाहिए, इसका संबंध लोकसभा चुनाव से कैसे है। पीएम मोदी ने कहा कि आखिर 2019 में चुनाव कांग्रेस लड़ेगी या फिर सुन्नी वक्फ वोट चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही तीन तलाक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा, यह साफ है कि मैं तीन तलाक के मुद्दे पर अब चुप नहीं रहूंगा। हर चीज चुनाव के बारे में नहीं होती है, यह मुद्दा महिलाओं के अधिकारों का है, चुनाव इंसानियत के बाद आता है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले की सुनवाई को अगले लोकसभा चुनाव तक टालने की दलील देने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के हमले के बाद अब उस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ही सिब्बल से किनारा कर लिया है, जिसका पक्ष रखते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत में यह दलील दी थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने सिब्बल के बयान को गलत करार देते हुए कहा, हाँ कपिल सिब्बल हमारे वकील हैं, लेकिन वह एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उनका यह बयान गलत है, हम इस मसले का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। हाजी महबूब ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। सिब्बल ने
सिब्बल ने किस अंदाज से कह दिया कि 2019 के बाद सुनवाई हो, यह मैं गलत समझता हूँ। 25 साल गुजर गए, मैं नहीं चाहता हूँ कि 1992 की तस्वीर फिर से दोहराई जाए, और कांग्रेस के नेता भी हमें पता नहीं कि वह ऐसी बात कहेंगे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।